Hello genius, how are you? Today I will explain the first chapter of your history book for 10th class. The topic of this chapter is the rise of nationalism in Europe. ठीक है, इसका first topic है Fredrik Soros picture. This is the most important topic और आप लोग जानते हैं कि इसका board में भी काफी आता है. That's why I am explaining it in Hindi so that you can understand it very easy. Listen, ये क्या है बच्चों? ये Statue of Liberty है. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने किसी गुण को एक स्टैचू फॉर्म में या फीमेल फिगर की फेम में माना था. ये क्या होता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी माना, यानी कि लोगों को आजादी मिल रही है, ये शो कर रहा है. ये फ्रेडरिक सोरो ने बनाई थी. फ्रेडरिक सोरो जो थे फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने चार पिक्चर एक के बाद एक सीरीज में बनाई थी. ये उनकी पहली पिक्चर थी, 1848 में इन्होंने इसको बनाया था. इसमें जो उन्होंने थीम ली है बच्चों, वो थीम इन्होंने ली है यूटोपियन वर्ल्ड की. इट्स मीन वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब लोग बिल्कुल एक के बाद एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है. स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब है कि यहाँ पे लोग आजाद होने की कोशिश कर रहे हैं. आजादी इन द सेंस कि वो किसी को उन पर शक्ति नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी कि जिससे वो आजाद होना चाहते थे, बल्कि वो खुद अपने राजा के जुल्मों से आजाद होना चाह रहे थे, अपने अंदर नेशनलिज्म की भावना को लाना चाह रहे थे. तो सबसे पहले जो वहां पर था फ्रांस था. फ्रांस सबसे पहले था जिसमें नेशनलिज्म की भावना को आया है. नेशनलिज्म का मतलब था लोगों ने एक ही कल्चर को फॉलो करना, यानी कि वो लोग ये समझने लगे थे कि हम लोग एक ही धरती के बच्चे हैं और हमें आपस में मिलकर रहना और हमारा कल्चर सेम है. ये होता है नेशनलिज्म की भावना, जिसको सबसे पहले फ्रांस ने फॉलो किया. आफ्टर डेट जर्मनी, उसके बाद जर्मनी आया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज एक के बाद एक दूसरे को फॉलो करती हुई नेशनलिज्म को फॉलो कर रही थी. यानी कि फ्रांस में जब नेशनलिज्म आ गया, उसके बाद जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ये सारी कंट्रीज एक के बाद एक दूसरे को देखते हुए नेशनलिज्म की भावना को फॉलो कर रही थी, मोनार्की यानी कि राजा को त्याग रही थी. लेकिन बच्चों इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1848 में जब फ्रेडरिक सोरो ने पिक्चर बनाई, उस टाइम तक जर्मनी इस लाइन में नहीं आया था. इसमें जर्मनी में नेशनलिज्म नहीं आया था, लेकिन थॉमस वो फ्रेडरिक सोरो ने इस चीज को फॉलो किया. उन्होंने इमेजिन किया कि फ्रांस के बाद सबसे पहले वहां जर्मनी ही होगा और ये इन्होंने एक के बाद एक सारी कंट्रीज को वहां पे शो किया है. अब हम ये कैसे पता लगाते हैं कि ये फ्रांस है या जर्मनी है? तो उसके उन्होंने दो चीजों पे बहुत अच्छे से उन्होंने वर्क किया है. उस पर इन्होंने ये दो रिकॉग्निशन हमें दी है उसकी. सबसे पहले उनका फ्लैग, एक तो हम फ्लैग के थ्रू उनको जान सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज है. दूसरा हम उनकी कॉस्ट्यूम, जो उन्होंने अपने देश की कल्चरल ड्रेस को पहना हुआ है, उससे पहचान सकते हैं कि कौन सी कंट्री किसके बाद आ रही है. तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे सारी कंट्रीज को एक के बाद इन्होंने दिखाया है. दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ऊपर से गॉड ब्लेसिंग कर रहे हैं, गॉड भी खुश है और वो ऊपर से ब्लेसिंग कर रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि नेशनलिज्म यहाँ पे खूब अच्छे से स्प्रेड हो जाए. उसके बाद जो तीसरी बात इसमें ये है कि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट मोनार्की, ये जो कचरा दिखाया है, ये गार्बेज दिखाया गया है, ये एब्सोल्यूट मोनार्की को दिखा रहा है. ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ सोवियत पिक्चर हो गया कि इट इज बेस्ड ऑन यूरोपियन वर्ल्ड एंड एवरी एक के बाद एक कंट्रीज जो आ रही है वो नेशनलिज्म को फॉलो कर रही है, फ्रेंच को फॉलो करती है, वो लोग अपनी आजादी की राह पे चल रही है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.